अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज मोहम्मद जवाद नवाज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन ऐसी रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी गिग डी रैंक हो सकती है या डी इवन डीनाई भी हो सकती है तो बेहतर यह है कि अगर आप ये तीन मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो इनशाला आपकी गिग कभी डी रैंकिंग का सामना नहीं करेगी और ज़्यादातर पोजिशन में टॉप पेजि के ऊपर रैंक करती रह गई तो इसी तरह वीडियो के साथ बने रहिए और चलते हैं अब हम पॉइंट नंबर वन की तरफ तो पॉइंट नंबर वन पर मैंने रखा है इसके अंदर फेक क्लिक्स और इम्प्रेशन को बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ फेसबुक के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अपने गीत क्रिएट करते ही उसका लिंक शेयर कर देते हैं और लिंक शेयर करते हैं और आ, साथ में ये भी लिखते हैं कि आप मेरी गिग को लाइक करें और मैं आपकी गिग को लाइक करूंगा और आप मेरी गिग के ऊपर क्लिक्स दें मैं आपकी गिग के ऊपर क्लिक्स दूंगा अब बहुत से लोगों के जहन में ये उनके माइंड्स के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई बंदा उनको लाइक like देता है गिग के ऊपर मतलब उसको फेवरेट करता है या क्लिक देता है तो उसके उसकी, उसकी गिग रैंक होने लग जाएगी तो ये इंतहाई आपकी बहुत ही मिसकंसेप्शन है गलत फहमी है गलत फहमी इस तरह है कि जब आपकी गिग के ऊपर कोई एक क्लिक आता है तो इसकी एक प्रॉपर क्लिक टू कन्वर्जन रेशियो फाइवर बनाता है तो अब आपकी गिग के ऊपर लगातार रोज़ फॉर एग्जाम्पल फाइव टू टेन क्लिक्स आ रहे हैं और आपकी वो क्लिक्स में से कोई बंदा भी कन्वर्ट नहीं हो रहा कन्वर्ट का मतलब ये है कि कोई बंदा भी आपकी गिग परचेज नहीं कर रहा खाली क्लिक और लाइक कर रहा है उससे नुकसान ये होता है कि आपका क्लिक टू कन्वर्जन रेशियो फाइवर के एलगोरिदम में बहुत ही कम हो जाती है जब ये आपकी कन्वर्जन रेशियो कन्वर्जन रेशियो कम हो जाती है इसकी वजह से फाइवर आपकी गिग टोटली या तो डेड कर देता है या तो डी रैंक कर देता है उसकी रीज़न ये है कि जब फाइवर देखता है कि इस बंदे की लोग क्लिक गिग पे क्लिक भी करते हैं इसको लाइक भी करते हैं तो परचेज नहीं करते तो फाइबर यह समझता है कि शायद इसकी गिग के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है जिसकी वजह से लोग इसकी गिग परचेज नहीं करते तो एक ये गलती आपने हरगिज नहीं करनी वरना इससे आपकी गिक बिल्कुल डी रैंक हो जाएगी तो सेकेंड नंबर पर जिस चीज को मैंने रखा है वो है ऑर्डर कैंसलेशन ऑर्डर कैंसलेशन एक्सट्रीमली नेगेटिव इंपैक्ट आपकी गिग की रैंकिंग के ऊपर डालती है फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट पेज पे थे और आपको एक क्लाइंट के साथ कोई भी किसी किस्म की मिस हैपनिंग हुई है मिस हैप हुई है और आपका उसके साथ ऑर्डर कैंसिल हो गया तो उसका आपकी गिग की रैंकिंग के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इंपेक्ट आता है अब आप कहेंगे कि सर ये हमारी चीज़ तो कंट्रोल में है ही नहीं कि हम ऑर्डर कैंसिल होने से कैसे बचा सकते हैं ऑर्डर कैंसिल ज़्यादातर ये इसी वजह से होता है कि आपकी क्लाइंट के साथ इसी चीज़ पे बहस रहती है वो कहता है मुझे ये करके दो आप करके नहीं देते रिवाइज़ करके दो आप रिवाइज करके नहीं देते या ज़्यादातर रीज़न ये होती है कि आप इतने क्वालिफाइड ही नहीं होते और आप ऑर्डर ऐसा करने लग जाते जो काम आपको नहीं आता होता तो पहली बात यह है कि आप काम ही सिर्फ वही लें क्लाइंट से जो आप कर सकते हैं अगर नहीं कर सकते तो बेहतर यह है कि अगर आपको जेब से भी कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं प्रॉफिट्स की तरफ ना जाए क्लाइंट को वो ऑर्डर क्लियर करके दें फायदा आपको यह होता है कि जब वो आप ऑर्डर क्लियर करके देते हैं जाहिर सी बात है फाइव स्टार रेटिंग मिल जाती है अच्छा रिव्यू मिल जाता है आपकी गिग ऊपर जाएगी आपको दस और नए क्लाइंट आ जाएंगे जिनसे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं पर नुकसान ही होगा कि अगर आप उस क्लाइंट को राजी नहीं करते और ऑर्डर कैंसिल करवा देते हैं आपकी गिग डी रैंक कर जाएगी जो पहले आपके पास अब महीने में एक क्लाइंट आ रहा था वो भी आने से रह जाएगा और आपका अकाउंट ही आहिस्ता आता डी रैंक होने लग जाएगा तो बेहतर यह है कि जितना ज्यादा आप ऑर्डर कैंसिलेशन से बच सकते हैं उससे बचें इसका इंतहाई नेगेटिव इम्पेक्ट आता है आपकी गिग के ऊपर और ये आपको बिल्कुल गिग डेड कर सकती है थर्ड जो चीज़ इसके अंदर मैंने रखी है जो आपकी गिग को बिल्कुल डेड कर सकती है उसके अंदर मैंने रखा है इनएक्टिव होना अब बहुत सारे लोग होते हैं कि फॉर एग्जांपल उनको दस दिन अच्छे ऑर्डर आए उन्होंने फॉर एग्जांपल दो तीन लाख बना लिया तो उनको जोश आता है कि मैं कहीं नारायण का गान घूमने चला जाता हूँ तो वो नारान का गान खुद तो घूमने चले जाते हैं लेकिन उनका अकाउंट वैसे ही अपना एक्टिव का एक्टिव छोड़ के चला जाते हैं उससे नुकसान उनको ये होता है कि जब जाहिर सी बात है कोई आपको क्लाइंट मैसेज कर देता है या आप ज़्यादातर ऑफलाइन बैठे रहते हैं तो फाइवर आपकी जो गिग है उसको डी रैंक करने लग जाता है क्योंकि फाइबर को जब आप एक्टिविटी शो नहीं कराते फाइबर का एलगुरिता में यह समझ आता है कि ये बंदा फिलहाल कहीं ज्यादा मसरूफ हो गया है ये क्लाइंट्स को या अपने प्रोफाइल पे ज्यादा तोज्जा नहीं देता तो वो आपके गिग को डी रैंक करने लग जाएगा जब डी रैंक करेगा तो थोड़े टाइम बाद ऑब्वियसली अकाउंट आपका डेड होने लग जाएगा फिर डेड अकाउंट को वापस जिंदा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है तो बेहतर यह है कि जब आपने कोई वैकेशन पर भी जाना होता है तो एक तरीके से जाए लाइक अपने मोबाइल्स के अंदर अकाउंट्स को लॉग इन करें इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बना के जाए या फाइवर के अंदर एक ऑप्शन होता है कि टेम्परेरली आप अपने अकाउंट को ऑन होल्ड करके जाएं कि मैं वैकेजेंस के लिए जा रहा हूं एक वीक के लिए तो उससे भी फिर भी आपकी बचत हो जाती है लेकिन अकाउंट को एक्टिव रख के जाना तो उससे आपका बहुत ही एक्सट्रीमली नेगेटिव इम्पेक्ट आपके अकाउंट पे आता है तो ये तीन क्लियर रीजंस uh, थी जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की कि ये इन तीन रीजन्स uh, की वजह से आपकी बहुत सारे लोगों की गिस्ट डी रैंक हो जाती है या अकाउंट डी रैंक हो जाते हैं अगर आप इनको अवॉइड करते हैं तो आप जाहरी सी बात है कि आप गिग रैंकिंग से और अकाउंट डी रैंकिंग से बाज सकते हैं होपफफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी अकाउंट महफूज रहें उनकी गिग्स महफूज रहें इसी तरह मुझे दीजिए इजाजत टेक केयर अल्लाह हाफि